नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। जितने भी 2023 पास आउट से जिन्होंने अभी TCS NQT का एग्जाम दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे स्लॉट्स TCS के हो चुके हैं इसलिए मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, रिजल्ट की डेट आपको बताने वाला हूं और इंटरव्यू की डेट आपको बताने वाला हूं। भाई डिटेल्ड में एजेंडा बता देता हूं इस वीडियो का क्या है। भाई एक तो कट ऑफ पर हम बात करेंगे, रिजल्ट कब अनाउंस होगा, रिजल्ट की डेट के बारे में बात करेंगे, मैं अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकता हूं उसके बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू की डेट क्या होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे, इंटरव्यू का मोड ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, घर से देना पड़ेगा या किसी सेंटर में जाकर के इंटरव्यू देना पड़ेगा उसकी बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट राउंड से ही रिजेक्ट हो जाता हूं तो क्या मैं दोबारा से TCS में अप्लाई कर सकता हूं, और उसके अलावा इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और क्या प्रिपरेशन मटेरियल है, क्या टिप्स है इंटरव्यू क्रैक करने की, इन सभी पर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा सा समय आप जरूर निकाल लीजिएगा। भाई पहले मैं आपको यार एक बार TCS के ऑफिसेस के दर्शन कराना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर के इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सके और TCS में जाने की जो आपकी जिद है वो और मजबूत हो सके। भाई आप देखिए TCS के ऑफिसेस की फोटो, भाई नेक्स्ट लेवल इंटीरियर एक्सटीरियर होता है। भाई यहाँ पर देखिए भाई अलग ही लेवल की यार, इस तरीके से आपको यार सिस्टम्स मिलते हैं, आप बैठ करके काम कर रहे होते हो, बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको एक बढ़िया माहौल मिलता है। देखिए भाई कितने बढ़िया ऑफिसेस हैं भाई यहाँ पर, और शॉर्ट मीटिंग्स करना है अगर आपको तो इस तरह की आपको स्लॉट्स एरियाज दिए जाते हैं टीम मीटिंग्स एंड ऑल के लिए। उसके अलावा वन ऑन वन अगर कोई मीटिंग करनी है तो इस तरीके से आपको स्लॉट्स दिए जाते हैं, आप बैठ करके कर सकते हैं। राउंड टेबल मीटिंग्स आप कर सकते हैं भाई देखिए यहाँ पर। उसके अलावा अगेन राउंड टेबल मीटिंग्स के लिए बहुत सारे यार रूम्स हैं, अगर आपको आराम करना है तो रेस्ट रूम का भी आपको एक्सेस होता है, पेंट्रीज वगैरह भी हैं खाना पीना करने के लिए, सब कुछ यार यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको प्रोजेक्टर या टीवी की हेल्प से कोई मीटिंग कंडक्ट करना है तो उसके लिए सेपरेट रूम्स होते हैं भाई। उसके अलावा आप देखिए भाई अगर एक्सटीरियर बाहर का वातावरण देखते हुए काम करना है, देखिए भाई कार के अंदर एक मिनी कॉन्फ्रेंस टेबल टाइप की बना दी है कि तीन चार लोग मिलकर के काम कर सके, बातचीत कर सके भाई। उसके अलावा आप कैंटीन देखिए भाई, नेक्स्ट लेवल कैंटीन होती है। प्लस साउथ इंडिया में ना जितने भी नॉर्थ के बच्चे जाते हैं उनको खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पंजाबी पेंट्रीज भी यहाँ पर खुली होती है कि आपको पंजाबी खाना मिल सकता है भाई। आप देखिए पेंट्री भी नेक्स्ट क्वालिटी की है, तो यार आपको काम करने में मजा आएगा, एक नेक्स्ट लेवल एटमोस्फियर होता है। इंडिया की बेस्ट IT कंपनी है और वर्ल्ड में भी रैंक 2 है TCS की, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन में कितना क्या स्कोर हमको करना है जिससे कि हमको निंजा या डिजिटल का पैकेज मिले उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए भाई सबसे पहली बात तो अगर फाउंडेशन सेक्शन में आपके 45% से कम है, ये जो कट ऑफ इस बार कम हो गया है क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा थी भाई, अगर आपके फाउंडेशन सेक्शन में 45% से कम है भाई तो आप घर चले जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, एडवांस सेक्शन का रिजल्ट आपका चेक भी नहीं किया जाएगा अगर फाउंडेशन में 45 से कम है तो। अब फाउंडेशन में अगर आपके 45 से ज्यादा है, ठीक है फाउंडेशन में 45 से ज्यादा है, फिर आपका एक बार एडवांस सेक्शन का पहले रिजल्ट देखेंगे भाई। अब दो चीजें हो सकती हैं, एडवांस सेक्शन में या तो 60% से कम होगा या 60 से ज्यादा होगा। एडवांस सेक्शन क्योंकि इजी आया था इसलिए इस बार उसका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो अगर फाउंडेशन में 45 से कम घर चले जाइए, फाउंडेशन में 45% से ज्यादा आ गया तो फिर आपका एडवांस सेक्शन का रिजल्ट चेक करेंगे। अगर एडवांस सेक्शन में 60% से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, अगर 60% से कम है तो फिर आपको निंजा के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और क्लियर करने पे आप निंजा का इंटरव्यू पैकेज जो है वो आपको मिल जाने वाला है। अगर फाउंडेशन में 45 से ज्यादा आए हैं और एडवांस में भी आपके 60 से ज्यादा आ गए, फाउंडेशन में 45 से ज्यादा एडवांस में 60 से ज्यादा, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा राइट, और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये जज किया जाएगा कि आपको निंजा का पैकेज देना है या डिजिटल का। अब ये प्योरली इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने वाला है, यानी फाउंडेशन में 45 से ज्यादा एडवांस में 60 से ज्यादा तो इंटरव्यू तो आपका होगा, परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज किया जाएगा कि आप इंटरव्यू से बाहर हो रहे हो या निंजा का पैकेज मिल रहा है या डिजिटल का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फाउंडेशन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 65% से ज्यादा आ गए राइट, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस किया, लेकिन एडवांस सेक्शन में अभी भी आपके 60% से कम है भाई, तो कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा निंजा का पैकेज दिया जाएगा भाई, क्योंकि निंजा के पैकेज
के लिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिजिटल के पैकेज के लिए एडवांस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपने भले ही फाउंडेशन में 65 सुपर लाया, लेकिन क्योंकि आपके एडवांस में 60 से कम है, तो भाई आपको निंजा ही पैकेज मिलेगा। लेकिन लास्ट, अगर फाउंडेशन में 65 से ऊपर ले आए, एडवांस में भी 60 से ऊपर ले आए, भाई फाउंडेशन में 65 से ऊपर, एडवांस में भी 60 से ऊपर, तो फिर आपको डिजिटल का पैकेज मिलेगा, ऑब्वियसली आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द इंटरव्यू। तो आप चाहें तो इसका यार पूरा स्क्रीनशॉट जो है वो खींच के रख सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर हर एक स्लॉट का अपना खुद का कट ऑफ होगा। तो ऑन एन एवरेज कट ऑफ मैंने बता दिया, बट हर एक स्लॉट का अपना खुद का कट ऑफ होगा, क्योंकि हर स्लॉट की अपनी अलग डिफिकल्टी लेवल है। देखिए भाई होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। 19 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पेपर हुए, टोटल आपके 10 स्लॉट्स में एग्जाम हुए। मान लो इंटरव्यू 1,00,000 कैंडिडेट का क्रॉस करना है, फॉर एग्जांपल कि भाई इंटरव्यू के बाद मेरे को ये चाहिए कि 1,00,000 बच्चों का मैं इंटरव्यू लूं, तो क्या करेगी टीसीएस, हर स्लॉट से 10,000 लोग लेगी, ताकि पूरे 10 स्लॉट से 1,00,000 लोग ले लें। तो किसी भी स्लॉट में जो 10,000 रैंक वाला जो बच्चा होगा, उसके जो मार्क्स होंगे ना, वो कट ऑफ कहला जाएगा। मान लो उसके 40% है, तो 40% कट ऑफ हो गया। अगर 60% है, तो 60% कट ऑफ हो गया। समझ, तो हर स्लॉट का डिफिकल्टी लेवल अलग है, बच्चों का लेवल अलग है, हर स्लॉट से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट लेना है, उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो आपका वेरी करने वाला है। बट ऑन एन एवरेज अगर आपके 45% मार्क्स आ गए हैं फाउंडेशन सेक्शन में, एडवांस में आप बिल्कुल बेकार भी परफॉर्म करके आए हो, तो भी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको निंजा का पैकेज मिल जाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भाई स्टार्ट कर देना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, यार मेरा तो टीसीएस में नहीं होना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, फिर जब रिजल्ट आता पता चलता है अबे यार हम तो सिलेक्ट हो गए, फिर कहते हैं यार काश पहले इंटरव्यू की तैयारी कर ली होती। इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करो ना यार, अगर टीसीएस में रिजेक्ट भी हो जाओगे तो वो प्रिपरेशन आपको बाकी एग्जाम्स में हेल्प करेगी ना। इंटरव्यू तो एनीवेज इंटरव्यू होता है, टीसीएस का हो या किसी और का हो क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? तो टीसीएस के डर से आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप हमारा रेज्यूम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है भाई, कंप्लीट डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है भाई। अब रिजल्ट डेट की मैं आपसे बात कर लेता हूं भाई। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है कि भाई 10 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। एक्चुअल डेट क्या भैया, एक्चुअल इंटरव्यू की कोई डेट नहीं होती है कि भाई बाकी एग्जाम्स की तरह के कोई डेट अनाउंस हो रही है और फिर आप किसी पोर्टल पे जाकर के चेक कर रहे हो, नहीं, आपको मेल रिसीव हो जाएगा, सभी बच्चों को मेल रिसीव हो जाएगा भाई कि आप सिलेक्ट हो गए हो, इस तरीके से आपको मेल आ जाएगा। तो कोई एक्चुअल डेट नहीं है, लेकिन 10 से 20 सितंबर के बीच में आपको ऑन एन एवरेज यार एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होते रहेंगे मैं वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या मुझे सर मेल आएगा रिजल्ट के लिए? देखो उसको पूरा समझते हैं भाई। अगर आपका एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो ही आपको मेल आएगा। हमेशा टीसीएस केवल सिलेक्शन का मेल भेजती है, रिजेक्शन का मेल कभी भी नहीं भेजती है। तो अगर आपको मेल नहीं आया, इसका मतलब आप अपने आप को रिजेक्टेड कंसीडर कर सकते हैं। रिजेक्शन का कोई मेल नहीं आता, केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेल भेजती है। तो भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको मेल मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, एक ही दिन रिजल्ट अलाउ अनाउंस नहीं होता, बैचेस में होता है, तो मेल भी बैचेस में आते हैं भाई। हो सकता है कुछ बच्चों को 10 तारीख को मेल आ जाए, कुछ को 12 को आ जाए, कुछ को 14 को आ जाए। तो ऐसा मत करना कि सर मेरे दोस्त को मेल आ गया मुझे नहीं आया मतलब मैं रिजेक्ट हो गया, नहीं, आपको वेट करना है। हो सकता है आपका बैच कोई और हो, तो उस हिसाब से बैचेस वाई बैचेस आपको मेल आते जाएंगे। कुछ बच्चों को क्या होता है, टीसीएस मेल नहीं करती है, टीसीएस उनके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को बता देती है। फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर क्या करते हैं, एक लिस्ट पूरी जनरेट करते हैं और आपको लिस्ट जो है आपके टीएनपी ऑफिस के बुलेटिन बोर्ड पर या आपके मेल पर लग जाती है कि यार ये सब बच्चे हमारे कॉलेज से सिलेक्ट हो गए। तो कई बार आपको मेल नहीं आया है तो एक बार अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है लिस्ट लगाई हुई हो, राइट? अब एक चीज और सर, आपने एक चीज बताई है कि भाई अगर मेरा रिजल्ट नहीं आए तो मैं रिजेक्टेड हूं, लेकिन आपने ये भी बोला है कि बैचेस में होता है भाई तो मुझे वेट करना है, तो कब तक वेट करना है? देखिए भाई लास्ट है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आप वेट कर लीजिएगा। अगर 31 अक्टूबर तक भी आपको मेल नहीं आया है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से भी कोई अपडेट नहीं आई है, इसका मतलब अब आप रिजेक्ट हो गए। तो आपको 31 अक्टूबर तक वेट करना है, फिर भी कोई मेल ना आए तो अपने आप को आप रिजेक्टेड यार कंसिडर कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का मेल आता है आपको कि भाई ग्रीटिंग्स हैं, आपका सिलेक्ट हो गए हो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, राइट? इस तरह से। और कई जगह ये देखिए टीएनपी ऑफिस से लिस्ट भी जनरेट होती है, लिस्ट आपको मेल पे भेज देते हैं, पता चल जाता है
कौन कौन जो है वो सिलेक्ट हो गया है आपके कॉलेज से। ठीक है भाई, अब इंटरव्यू की डेट क्या होने वाली उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए इंटरव्यू अगेन बैच वाइज बैच होने वाला है, तो यार सबको एक ही डेट नहीं मिलने वाली है, सबको अलग 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 डेट्स मिलेंगी भाई, तो बैच वाइज होने वाला है। अब इंटरव्यू की डेट भी वेरी करती है भाई, कुछ बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि इमीडिएटली जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसी के अगले दिन इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया गया विद इन 24 आवर्स। आप यहां देखिए भाई, एक हमारे स्टूडेंट थी मितिका मल्होत्रा करके भाई, 8 जुलाई को TCS का रिजल्ट अनाउंस हुआ, 5:35 पे शाम को बताया कि भाई TCS का आपका रिजल्ट आ गया, आप सिलेक्ट हो गए हो, और 9 जुलाई को अगले ही दिन सुबह 10:40 पे इंटरव्यू हो गया। यानी उस बंदी को केवल 17-18 घंटे लगभग दिए गए, 18 घंटे बाद उसका इंटरव्यू हो गया। तो आपको प्रिपरेशन की समय नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करके रखो, फॉर्मल कपड़े अपना सेटअप वेटअप सब पहले से जमा के रखो, लास्ट मोमेंट रश से आप अवॉइड कर सकते हो। मेरा खुद का इंटरव्यू डेट मेरे को एक दिन पहले पता चली थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। और कई लोगों को ऐसा है कि भाई कुछ दिन बाद इंटरव्यू का डेट आता है, इस तरह से मेल आ जाता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू डेट आपको बहुत जल्दी बता दी जाएगी, मतलब आप सिलेक्ट हो गए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपको डेट जल्दी ही पता चल जाएगी। 31 अक्टूबर तक सबको अपनी डेट्स रिसीव हो जाएंगी, लेकिन बस दिक्कत ये है कि आपको 24 घंटे पहले ही पता चलने वाला है। अगर मान लो आपका इंटरव्यू 29 अक्टूबर को है, तो आपको 28 अक्टूबर को पता चलने वाला है, तो भाई पहले से प्रिपरेशन करके रखना है, सेटअप वगैरह पहले से अरेंज करके रखना है, कभी भी भाई साहब बुलावा आ सकता है और आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना, तो इमीडिएट डेट अनाउंसमेंट होती है तो पहले से प्रिपरेशन रखना है। इंटरव्यू का मोड 99% ऑनलाइन ही होगा, अगर आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वी विल लुक इनटू दैट, बट 99% ऑनलाइन ही होता है। फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने फेल करके चीटिंग कर ली है टेलीग्राम के थ्रू, इंटरव्यू में चीटिंग नहीं कर पाओगी क्योंकि वो 1-on-1 होने वाला है, तो मेक श्योर यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। उसके अलावा फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों ने फेल करके चीटिंग की है, तो ऐसा हुआ था लास्ट ईयर भी काफी बच्चों ने चीटिंग की थी कि TCS ने इंटरव्यू के लिए तो लगभग सबको इन्विटेशन भेज दिया था, मेजर एलिमिनेशन इंटरव्यू में हुआ था। तो यार इस बार भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट राउंड क्लियर करा दे और मेजर एलिमिनेशन फिर इंटरव्यू में करा दे भाई, है ना। तो मेक श्योर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेना भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर निंजा के इंटरव्यू के लिए कॉल आया है कि डिजिटल के इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, वो आपके ईमेल में मेंशनड होगा कि यार निंजा का इंटरव्यू है कि डिजिटल का इंटरव्यू है। ठीक है भाई, भाई अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए अब दो चीजें हो सकती है, या तो आप एग्जाम से ही रिजेक्ट हो गए हो, या तो आप इंटरव्यू तक पहुंच करके रिजेक्ट हो गए हो। अगर एग्जाम से ही रिजेक्ट हो गए तो आप इमीडिएटली दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो और फिर रिजेक्ट हुए हो तो फिर आप 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भैया मेरा एग्जाम ही इनकेस नहीं निकला, मैं रिजेक्ट हो गया हूं, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? देखिये TCS का एक पेड NQT एग्जाम भी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी अप्लाई लिंक दे रखी है, 24 सितंबर लास्ट डेट है, 9 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर TCS और TCS के साथ साथ जितनी भी TCS की टाइड अप कंपनीज है ना, वो एग्जाम कंडक्ट करें, 19 लाख तक का पैकेज जाता है, तो जिनका सिलेक्शन यार TCS में ऑलरेडी होने के चांसेस हैं भाई, तो वो भी इस एग्जाम को दे दो, इसकी प्रिपरेशन कर लो। 1000 रुपए का एग्जाम होता है, लेकिन 19 लाख तक के पैकेज लगने के यार यहाँ पर चांसेस आपके हो जाते हैं भाई। एंड अगेन, आपका अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू से आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो स्नेक्स एंड लैडर्स में ये जो 99 पे सांप है ना वो काट लेता है, तो ऐसे ही कुछ दुख हमको होता है यार, राइट? हम बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से पहुंच जाएंगे, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है या आपको लग रहा है होने वाला है भाई, वो बिल्कुल हो भी जाएगा, टेंशन नहीं लेना, अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दो भाई। एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर अगर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराओगे क्या? जी हाँ, हम रेज्यूम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, एंड अगेन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा इसमें हम लाइव ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे। पूरी कोर्स की डिटेल आपको बता देता हूँ भाई, TCS में आज तक टिल डेट जितने भी टेक्निकल और HR इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं ब्रांच वाइज, वो इसमें कवर्ड है भाई, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी ब्रांच में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भाई। उसके अलावा सिर्फ TCS के लिए नहीं, बाकी IT कंपनीज के लिए भी ये कोर्स हेल्पफुल आपको होने वाला है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही हम यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, 1-on-1 आपका पर्सनलाइज्ड मॉक इंटरव्यू लेने वाला हूं, और जितने भी बच्चों के मॉक इंटरव्यूज में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं उनमें से कुछ बच्चों की एज अ जस्ट एक डेमो वीडियो के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है भाई,
कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, आपका भी वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू लूंगा जहां पर आपका टेक्निकल एचआर इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको पूरा फीडबैक कॉल दिया जाएगा कि भाई आपने यार इंटरव्यू में क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला, आपका ड्रेस ठीक है, आपका बैकग्राउंड ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, प्लस आपका रेज्यूम भी मैं वन ऑन वन पूरा यार वेरीफाई कराऊंगा, बताऊंगा आपने क्या क्या अच्छी बातें लिखी क्या क्या बुरी बातें, क्योंकि एक बार आपका तरीके का रेज्यूम बन गया वो लाइफ टाइम आपको हेल्प करने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं टीसीएस निंजा डिजिटल यार मैकेनिकल इंजीनियर विप्रो डीएक्सी बहुत सारी कंपनीज के लिए मैं मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो आपके लिए भी टीसीएस का मैं मॉक इंटरव्यू ले लूंगा भाई। उसके अलावा आपको पूरी रेज्यूम बिल्डिंग पर ट्रेनिंग मिलेगी। रेज्यूम के 12 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर जज किया जाता है रेज्यूम, आपके रेज्यूम में वो 12 पैरामीटर्स हैं कि नहीं है या उनमें से कुछ पैरामीटर हो सकता है मिसिंग हो, तो वो पूरी ट्रेनिंग दे करके आप यूनो समझ जाएंगे कि कौन से पैरामीटर मिसिंग है। प्लस आपको पूरे रेज्यूम टेम्पलेट दूंगा, सिंगल पेज डबल पेज रेज्यूम अगर बनाना है तो क्या टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। प्लस मैं 9 आईटी कंपनीज क्रैक कर चुका हूं, तो अपना पर्सनल रेज्यूम भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं भाई। प्लस आपका पूरा रेज्यूम मैं वेरीफाई करने वाला हूं कि आपने कैसा बनाया और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सी और जावा दे रखी है, प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग में ऊप्स कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम दे रखे हैं, ये इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं और एचआर इंटरव्यू के जितने भी पॉपुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक टीसीएस में वो सब इसमें कवर्ड है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन पर आधे आधे घंटे का डिस्कशन यार मैंने करा रखा है, तो उसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिए। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, 145 वीडियो लेसंस इसमें प्रेजेंट है, जाकर के देखिए और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अपना मॉक इंटरव्यू पहले ही शेड्यूल करना है, प्रिपरेशन के बाद नहीं शेड्यूल करना है, पहले शेड्यूल करना है ताकि मैं आपको फीडबैक दे दूं और आपको बता दूं भाई कि आप यार कैसे यू नो क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ताकि अकॉर्डिंगली आप यार प्रिपरेशन अपनी कर सको। तो जब आप कोर्स को परचेस करोगे आपको मॉक इंटरव्यू का उसमें एक सेक्शन मिलेगा, तो वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल आउट कर दीजिए, तो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगा उसमें आपका यार शेड्यूल कर दिया जाएगा मॉक इंटरव्यू। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है नंबर पर आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे और वीडियोस बनाने वाला हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन पर यूट्यूब पर भी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अगर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जरूर यू नो कमेंट करके अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।